हमें उम्मीद क्यों देते हो जब जीत नहीं सकते हो? अब बंदा बोले तो बोले क्या, वही बात, जब जीत नहीं सकते हो तो उम्मीद क्यों देते हो यार? ये एमसीजी के अंदर दुख कभी भी नहीं जाएंगे, एमसीजी के अंदर ही हमने जिसको कहते हैं इंडिया से मैच हारे जीता हुआ, इसी ग्राउंड के अंदर हम फाइनल हारे, इसी ग्राउंड के अंदर फिर से मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की धुलाई की है, पटाई की है। जब भी ये मैच खेलने आते हैं उससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर ये कोई ट्वीट जारी कर देते हैं जी हम छक्के छुड़ा देंगे, लेकिन वो छक्के इन्हीं के छुड़ जाते हैं। पटाई धुलाई पाकिस्तान की टीम के मुकदमों में लिखा, इन्होंने लिया था ऑस्ट्रेलिया को हल्का, कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो छोटी टीम है, पहले हार गया फिर हरा देंगे। अब भाई उन्होंने इनके चड्डे पार दिए हैं, उनको पता है कि टीम होती है। थोड़ी देर के लिए हाथ में देना, ये लो भाई ले लो, और एक मिनट के बाद चमाटा मार के वापस छीन लेना, वो वाला काम जो पाकिस्तान के साथ आज ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये कोई जिम्बाब्वे की टीम नहीं है कि जरा सी डील आप देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, फिर ये आपको ऐसा मारते हैं कि आप याद रखते हैं। पैट कमिंस ने मार मार के उल्ली निकाली, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उम्मीद दिलाई कि हाँ हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद पता सबको पहले से ही था, क्योंकि ये लोग होते हैं बारिश की उम्मीद पे या दुआओं की उम्मीद पे। अच्छा। और ये पाकिस्तानी आवाम को दिल तोड़ने पे हमेशा से ये तुले हुए हैं, और ये आज भी वही उन्होंने ये काम किया और हार गए हैं, तो बहुत डिसहार्ट भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान यार अपना वतन है, लेकिन ये लोग ये काम करते हैं और हार के आ जाते हैं। उल्टी गिनती शुरू करवानी चाहिए जिस तरीके से कहानी चल रही है, तो एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तान 50 ओवर तो शायद मुश्किल से खेलेगा। बाबर आजम जंपा ने जब बोल्ड किया वहां के, उसके बाद तो फिर देख के मतलब रिवर्स गियर ही लगा रहा, तू चल तो मैं आया। क्रिकेट सिंगियां सुगा रहे हैं भाई पाकिस्तानी टीम को, ये हमारे जो घटिया तरीन बैट्समैन है, बाबर की बात कर रहे हैं, सैमयूब की बात कर रहे हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं, शाहीन को क्या बनता था लेकर आने का, आपके पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं, उनको नहीं आप यूज कर सकते? क्या आपने तय कर लिया कि भाई हमने हर होम ग्राउंड पर जाकर अपनी इज्जत जो है वो नीलाम करके वापस आना है? अरे भाइयों कहीं पे गिल्ली डंडे का टूर्नामेंट हो रहा हो ना तो भैया हमें बता दो, हमने अपनी नल्ली 11 को भेजना है भाई, ताकि ये लोग गिल्ली डंडा ही खेल लें, क्योंकि क्रिकेट तो भाई इनके बस की बात ही नहीं। खत्म। जो हिंद दोस्तों, आप सबको हमें चैनल में स्वागत है। दोस्तों भारत की हार पर जश्न मनाने वाला पाकिस्तान को आज ऑस्ट्रेलिया ने कुत्ते की तरह हराया है। सो कल वर्ल्ड नंबर वन बॉलर साइंस अफरीदी हो चाहे नसीम शाह हो चाहे हैरिस राव, सबको बुरी तरह पेल दिया। पाकिस्तान में बैठे हर कोई फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बात करेंगे वीडियो के बाद में। मैच बना के हारने की, जब जीत नहीं सकते हो तो उम्मीद क्यों देते हो? हमें उम्मीद क्यों देते हो जब जीत नहीं सकते हो? पहले एक तो बल्लेबाजों ने रन्स कम किए, ऊपर से फिर सोने पे सुहागा, बॉलर्स ने इतनी शानदार बॉलिंग कर दी कि इतने कम रन्स के ऊपर भी पाकिस्तान मैच जीत रहा था। इतने कम रन्स होने के बावजूद हमें ये उम्मीद आ गई कि मैच जीत जाएंगे। अब बंदा बोले तो बोले क्या, वही बात, जब जीत नहीं सकते हो तो उम्मीद क्यों देते हो यार? ये एमसीजी के अंदर दुख कभी भी नहीं जाएंगे, एमसीजी के अंदर ही हमने जिसको कहते हैं इंडिया से मैच हारे जीता हुआ, इसी ग्राउंड के अंदर हम फाइनल हारे, इसी ग्राउंड के अंदर फिर से मैच हार गए। काश बल्लेबाजों ने 20 रन और किए होते तो हम शायद ये वाला मैच जीते होते। अभी तो नसीम शाह ने 40 मार दिया था तभी ये मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, अगर उसने 40 ना मारा होता तो पीछे बचा क्या था? जितनी गंदी बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की है ना, अगर थोड़ी सी भी किसी एक बल्लेबाज ने 20 रन किए होते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज पाकिस्तान अपना पहला मैच जीता होता। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की धुलाई की है, पटाई की है, क्या कहेंगे? देखो पटाई धुलाई पाकिस्तान की टीम के मुकदमों में लिखा, ऑस्ट्रेलिया कुटने की, देखो इन्होंने लिया था ऑस्ट्रेलिया को हल्का, कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो छोटी टीम है, पहले हार गया फिर हरा देंगे। अब भाई उन्होंने इनके चड्डे पार दिए हैं, उनको पता है कि टीम होती क्या है। सर जब भी ये मैच खेलने आते हैं उससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर ये कोई ट्वीट जारी कर देते हैं जी हम छक्के छुड़ा देंगे, लेकिन वो छक्के इन्हीं के छुड़ जाते हैं। असल में बात लग गया, कसूर इनका नहीं है, कसूर उन लोगों का जिन्होंने इनको एड्स करने की आदत डाल दी है। अच्छा ठीक है, कसूर उन लोगों का जिन्होंने इनको ये चीज़ बता दी कि यार सोशल मीडिया से इनकम अच्छी आ जाती है, ठीक है कसूर उनका, इनको चस्प मर गई है बस कि यार हम ऐड कर लें, ऐड से कमाएं, छोड़ो पीसीबी में उतनी तनख्वाह नहीं दे रहा जितनी मैच से कमा रहे हैं, ठीक है। कोई हार का दुख नहीं है यार, इन्होंने जो खेला है ना वो अच्छा खेला, मजा आया। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों पाकिस्तान में बैठे हर कोई, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर, इस वक्त फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आज कंगारुओं ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार मार के दुम्बा बनाया। हर कोई चाहे नसीम शाह हो चाहे हैरिस राव हो चाहे साइंस अफरीदी, सबको बुरी तरह ठोक दिया है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।